की माशाल्लाह से काफी भरी मछली बनी है। असलम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आज हम आपको मसाले वाली मछली बनाना बताएंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एवरीवन, आधा किलो हमने प्याज ले लिया, अभी मछली हम बनाने लगे। आधा किलो हमने प्याज ले लिया, तो आपको मैं प्याज काटने का तरीका बताऊँगा। दरमियान में से हमने इसको छुरी मार देंगे, ठीक है, तो इधर से हम कटिंग करेंगे। ये देख लें, हमने ये प्याज के हमने अब दोनों प्याजों के पीस काट लिए हैं। जैसा कि एवरीवन, आधा किलो मैंने टमाटर ले लिए और आधा किलो मैंने प्याज ले लिए, और प्याज काटने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। तो 6 से 7 हमने मिर्चें ले ली हैं, तो अब हम प्याज ब्राउन करेंगे। 1.5 किलो मछली, इसमें हम आधा किलो टमाटर डालेंगे और आधा किलो प्याज। प्याज देख सकते हैं आप कितने पीस हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर अदरक भी ले लिए छोटा सा पीस, और लहसुन भी 2 पौधे ले लिए। जैसा कि हमने इधर नॉनस्टिक की कढ़ाई में तेल भी डाल दिया, और हम इसमें आधा किलो प्याज डालेंगे। आधा किलो हमने प्याज डाल दिए। जैसा कि एवरीवन, मैंने पुलाव में भी आपको बताया था कि नमक, मैं जब भी प्याज ब्राउन करता हूँ मैं नमक लाजमी डालता हूँ, तो इसमें भी मैं 1 चम्मच नमक डालने लगा हूँ। तो अब नमक की वजह से थोड़ा प्याज जल्दी हो जाते हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है। जैसा कि एवरीवन, मछली हमने ये किलो लेनी, हमने इसको बेसन लगाकर इसको हमने फ्राई कर लिया, और ये देखें हमने बेसन लगा के मछली को फ्राई कर लिया, जिस वजह से मछली हमारे हांडी और खाने में टूट नहीं जाती। ये देख लें, और ये फ्राई करके हमने ऊपर फ्रीज में लगा दी थी, तो अभी बनाने लगे तो बताते हैं। जैसा कि अब मैं इस सिर बटा में लहसुन और अदरक पीसने लगा, तो आपकी ज़ुबान में तो इसको लंगड़ी भी बोलते होंगे और भी काफ़ी कुछ बोलते होंगे, और मुझे कमेंट्स में बताएं आप इसको क्या बोलते हैं। जैसा कि अब मैं इसमें लहसुन डाल देता हूँ, तो अब मैं इसको पीसूँगा। इसमें भी हम थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने की थोड़े से जल्दी हो जाते हैं, जल्दी पीसने जाते हैं। इसमें भी हम 1/4 चम्मच नमक का डाल देंगे। नमक अब हमने डाल दिया, अब हम इसको पीसेंगे। जैसा कि हमारा लहसुन भी और अदरक भी हमारा पीसने गया है, और अब हम आपको आगे दिखाते हैं। ये हमने मिर्चें ले ली, तो हमें इसकी ये कैप उतार देंगे, इसकी ये टोपियाँ, तो हमें इसकी ये कैप हम उतार देंगे। अब हम इसका पेस्ट बनाने लगे टमाटर और मिर्चों का। जैसा कि मैंने अब इसकी कैपें भी उतार दी ऊपर से, तो अब हमें इसको जूसर मशीन में हम डाल के ग्राइंड करने लगे। तो ये मैंने टमाटरों के 2 पीस कर लिए, तो इसमें हम जूस मशीन में आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डाल देंगे।
आधे कप से। इसमें हम पानी भी डाल देंगे। तो जैसा कि हमने आधा कप पानी भी डाल दिया, हमने टमाटर भी इसमें डाल दिए। जैसा कि आप हम इसको ग्राइंड करने लगे, तो ये हमारा प्याज हो गया। तो इसको भी हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो ये हमारे टमाटर भी हो गए और मिर्च भी। अब इसी के बीच में हम प्याज डाल देंगे। अब हम पेस्ट डाल दिए तो हम ग्रेवी बनाने लगे। चूल्हा हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया, तो अब हम इसमें मिर्चें डाल देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पुलाव हमारा पुलाव में मैंने पुलाव में भी बताया था कि मिर्च हमारी मिक्स होती है। इसमें धनिया, ज़ीरा, सब कुछ, सारे मसाले सारे हमारे मिक्स हैं। अब हम लहसुन अदरक का भी पेस्ट साथ ही डालने लगे। अब हम मसाला बुनाई करके फिर हम मछली डालेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर भुनेंगे। हम दही भी अब इसमें डालेंगे। हमें दही को भी अच्छी तरह से इस बीट से सही कर लेंगे। अब हमारा अच्छी तरह से दही हो गया। ये आधा पाव हमने दही लिया था। जैसा कि हमारा मसाला है ये अब बन रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा हम इसमें अब दही भी डाल देंगे आधा पाव। तो ये देखिए हम मैंने अभी आधा पाव दही भी डाल दिए और ये अब मसाला बस बनने पर आ रहा है। जैसा कि हमारी मछली के मसाला हमारा बुनाई हो गया, तो अब इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिए। देखें अब हम इसमें मछली डालने लगे। ये बेसन में हमने इसलिए फ्राई कर ली थी कि मछली टूटती नहीं है। अब बस हम हल्की सी बुनाई करके अब इसका चूल्हा बंद कर दूंगा। अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। जैसा कि देखिए हमारी मछली माशाल्लाह से तैयार हो गई है। जैसा कि माशाल्लाह से काफ़ी मज़े की मछली बनी है, ये देख लें। अब मैं इसको खाऊंगा। जैसा कि आपने देखा माशाल्लाह से काफ़ी मज़े की टेस्टी मछली बनी है। तो हमारे तमाम वीडियो इसी तरह देखने के लिए तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये मेरी तीसरी वीडियो है, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।